लो, आओ खाओ। आराधना के शादी की और उसके बर्बादी की। आज शाम को न्यूज़ तुम जरूर देखना आराधना, तुम खुद बहुत बड़ी खबर बनने वाली हो। ओह, इतना दर्द हो रहा है ना मुझे, ओह मैं क्या बताऊं, इतनी टेंशन है ना मेरे सर में। उफ, आराधना की और मेरे बेचारे बेटे जय की। अब क्या करें आंटी, कुछ लोग होते हैं इतने सेल्फिश, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, बस अपनी ही पड़ी होती है उन्हें। अगर मेरे यहाँ होने से आपको इतनी प्रॉब्लम। अरे बेटा तुम, सॉरी मुझे पता ही नहीं चला, मैंने देखा ही नहीं तुम्हें, ऐसे सोचा ही नहीं कि तुम कभी भी आ सकती हो, और मेरे मुंह से निकल गया। अब आराधना बेटा तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी कर सकती हो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। बस मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि वो डिवोर्स के बाद तुम हमसे पैसे मत लेना। पैसे? हाँ। ये क्या बोल रही है? प्लीज बेटा हमारे बारे में थोड़ा सोचना, और बस एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि पैसे मत लेना हमसे। हाँ वो क्या है ना, हम पहले जैसे रिच भी तो नहीं रहे, हमारे लिए भी थोड़े पैसे छोड़ देना प्लीज। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आंटी तो वही बोल रही है जो तुमने किया है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम गलत कर रही हो। शादी तो फेक थी, ऊपर से ये सब कुछ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करूंगी, लेकिन बानी की नहीं। और तुम तो मुझसे ऐसे बात करना ही नहीं, थप्पड़ भूल गई क्या? आई एम श्योर याद होगा, बी इन योर लिमिट्स। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे मत सिखाओ लिमिट में रहना। आई एम इन माई लिमिट्स, क्योंकि लिमिट में रहना तुम्हें नहीं आता है, पूरी कॉलोनी को पता है तुमने क्या कांड किया है, तो प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। मानी जबरदस्ती का ट्रिगर मत करो, वरना अब तुम तो यही बोलोगी, मारना पीटना यही सब तो आता है तुम्हें। गुड बानी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। कांड खुद करती हो और मुझे बोल रही हो थोनी। आराधना, आराधना ये क्या कर रही हो तुम? मिसेस खुराना के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? ऐसा नहीं है, मैं बानी और मुझ में बहस हो रही थी, हमेशा ऐसे ही करती है। अच्छा तो अब तुम ये बताओगी कि मुझे दिखता नहीं है तो जो देखा उस पे यकीन ना करूं तो फिर किस पे करूं? इस पे। देखा या तुमने नहीं देखा? चलो पढ़ के सुना देती हूँ। आराधना ने एलिमनी मांगी और वो भी 100 करोड़ रुपए हर साल। ये क्या कर रही हो आराधना? भतीजी अभी कोमा में है और तुम्हारे डैड यहाँ पर है नहीं, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे 10 साल की बच्ची करती है जो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहती। अरे डिवोर्स में इतनी बड़ी रकम, इसके साथ साथ में न्यूज भी ये चल रही है कि तुम शादी कर रही हो और वो भी रियांश के साथ, ये सब क्या चल रहा है? तुमने किया ना ये सर? अब तुम इन सब के लिए भी मुझे ब्लेम करोगी? तुम उसे क्यों ब्लेम कर रही हो, उस बेचारी ने क्या किया है? समझ में नहीं आता तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ अगर ये मेरी बेटी होती ना तो इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। ये हमारी बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, इस तरह का बिहेवियर हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, निकाल दो इसे यहाँ से। हाँ हाँ इसे तो अभी निकालना चाहिए। हाँ हाँ किसकी हिम्मत है? आपने को टच करके दिखाए, कौन किसको निकालता है दिखाओ मुझे। आप लोग न्यूज देख कर आए ना, पूरी स्टोरी पढ़ी आपने? उसमें लिखा है कि फैमिली के किसी क्लोज इंसान ने ये कहा है कि आराधना ने 100 करोड़ की डिमांड की है। तो अगर ये स्टोरी क्लोज इंसान की व्यू से है तो ये स्टोरी उनके साइड से ही होगी। आई वंडर किस फैमिली मेंबर ने ये फेक स्टोरी बताई होगी। मिसेस खुराना आपने तो नहीं बताई, बानी आप?
तुम तो जय के बहुत क्लोज हो ना तुमने? एक्सक्यूज मी, हम लोगों पे ब्लेम मत करो, नेबर्स खुद आए हैं और वो भी शॉक्ड हैं आराधना के इस धोखे से। नो, कल जैसे प्यार था और अब तुमसे शादी करने वाली है। अगर हम न्यूज की बात नहीं भी करेंगे ना तो मोहल्ले वाले तो करेंगे ना। मोहल्ले वाले बात तब करेंगे जब हम उन्हें मौका देंगे। गाइस, इससे पहले आप रूमर्स को सच माने, उसके बारे में बात करें। सच क्या है सुन लीजिए, जय और आराधना की कभी शादी हुई नहीं, उनकी शादी नकली थी। और जब आराधना और जय की शादी हुई नहीं तो अलमनी किस बात की? ये जो आप न्यूज लिंक पे देख रहे हैं ना, वो आधा सच है मैम। हाँ, हम शादी कर रहे हैं, हम दोनों एक होने वाले हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और सुनिए, आप सब शादी में जरूर आइएगा, मिस कराना, हमारी शादी होने वाली है। इफ यू वांट, आप भी आ सकती हैं, और हाँ, अपने बेटे को भी ला सकती हैं, उसे भी देखने दीजिए कि कैसे जीत हमेशा प्यार की होती है। रियांश आज प्यार नहीं जीता, प्यार हारा है। हमारे प्यार ने सिर्फ मुसीबतें लाई थी और तुम्हारा प्यार कभी जीता ही नहीं, आज भी नहीं। तुम हार गए रियांश, हम दोनों हार गए, हमारा प्यार हार गया, हम हार गए रियांश। So nice, ना? तुम्हारे ऑफिस में स्पाउस डे सेलिब्रेट हो रहा है। I mean, हम सबको मौका मिला तुम लोगों का वर्क स्पेस देखने का, कहाँ काम करते हो, कैसे काम करते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन कौन हैं, स्पेशली तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स कौन कौन। अच्छा, तो तुम ये देखने आए हो कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स, I mean, मेरी क्लोज फ्रेंड्स मतलब फीमेल फ्रेंड्स कौन है? मुझे तो बस पता करना था कि तुम्हारे फ्रेंड्स कौन कौन है। हाँ, हाँ, of course. वैसे रियांश का ऑफिस कौन सा है? वो है फर्स्ट फ्लोर पे। ओके विक्रम, सॉरी, पर मैं यहाँ स्पाउस डे सेलिब्रेट करने नहीं आई हूँ। मैं और आराधना यहाँ रियांश के बारे में पता करने आए हैं। रियांश आराधना के पीछे कौन कौन से बिजनेस कर रहा है वो पता करना है। रियांश की मम्मी? हाँ प्या। हाँ, आना पड़ा। एक्चुअली रियांश के डैड विवेक लांबा इज अ साइलेंट सीईओ मेंबर और वो है नहीं, तो उनके बिहाफ पे मैं आई हूँ। और मैंने देखा कि आज स्पाउस डे है। तो आज से बेटर डे क्या हो सकता है मेरे यहाँ आने के लिए। सो ट्रू। और तुम्हें पता है, जब से आराधना ने शादी के लिए हाँ कही है ना, रियांश तो क्लाउड 9 पे है। पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अपना रूम रीडेकोरेट कर रहा है, आराधना के लिए नया क्लोजेट बनवा रहा है। ही इज सो हैप्पी। आई एग्री। आप बिलीव करोगे, दो रातों से आपका बेटा सोया नहीं है और मानो ड्रिंकिंग भी ऑलमोस्ट क्विट कर दिया हो। वाओ, ग्लैड, आई एम रियली ग्लैड, फाइनली जैसा मैंने सोचा था वो हो रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे आंटी, प्रोफेशनली भी आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। इस वीक वो बहुत बड़े प्लानिंग में, एक बहुत बड़ा खुलासा करने का। अच्छा, क्या ना आंटी, ये ड्रग्स स्कैम ना रियांश के लिए बहुत बड़ा डील है और वो दिन रात एक कर रहा है इस केस को सॉल्व करने का। ड्रग्स स्कैम का कल्प्रिट तो पकड़ा जा चुका है, तो रियांश क्यों? क्योंकि रियांश को लगता है ये ड्रग स्कैम का मास्टरमाइंड कोई और है। इसका ये मतलब हुआ कि वो आसपास अभी भी इधर ही घूम रहा है, मतलब वो पकड़ा नहीं गया है और कुछ भी करने से पहले रियांश उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन ये तो बहुत रिस्की होगा, तो पता नहीं रियांश क्यों इतना फॉलो कर रहा है। अरे आंटी, आपका ये बेटा है, आपको पता है ना, एक बार किसी चीज पे वो अपना दिमाग लगाता है ना तो वो किसी की भी नहीं सुनता, इनफैक्ट वो अपनी खुद की भी नहीं सुनता। मैम, वो जिसके साथ आपकी मीटिंग है वो आ गए हैं। आती हूँ, I have to go. जी। पूजा, तुम आजकल ना बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहे हो, तुम क्या ख्यालों में खो जाते हो यार? Nothing, मैं बस तुम्हारा वर्क स्पेस देख रही थी। I'm happy to be here. ठीक है, एनीवेज मैं आता हूँ। पूजा। हेलो राधी, मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, मैं फाइल्स ढूंढ रही हूँ, तू प्लीज जल्दी आ जा, मैं विक्रम को हैंडल कर लूंगी, तू प्लीज आ। रियांश की इम्पोर्टेंट फाइल, क्या हो सकता है इसमें, लेट मी चेक।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.